इतना भी दे दूं लेकिन है तो कम, फिर भी होता है ना ये बाजी, बच्ची को चीज लेके देना, यही 500-1000 रुपया अगर हमारे मीडिया वाले भाई इन लोगों की हेल्प करते जाएं, कोई आटे का थैला डलवा दे, कोई महाना का कोई राशन वगैरह डलवा दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं आपका मेज़बान वाजिद अली बलोच और आप देख रहे हैं वाजिद अली टीवी। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है सोशल मीडिया पर एक वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, इन जोड़े की, ये कपल है, इनका जो है ना एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रहा है और ये भाई बीमार है और तारीख में ये लिखी गई है बात कि एक ऐसी बहन, एक ऐसी पाकिस्तान की बेटी जिसने इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है, अपने महजूर शोहर के साथ ज़िंदगी बसर कर रही है, उनको खिलाने में पिलाने में वॉशरूम में लेके जाने में बहुत बड़ा इनका हाथ है, तो इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजन। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे सबसे पहले ये बात बताएं कि इंसान मीडिया पे कैमरे पे ऐसे नहीं आता, आपने ये पहले हिम्मत कैसे की? सर ये हिम्मत मेरे से उस वक्त हुई जब मैं बिल्कुल मजबूर हो गया, क्योंकि मीडिया के सामने आना या पूरी दुनिया के सामने वायरल होना ये कोई आसान बात नहीं है, कि मैं इतना मजबूर हो गया कि मैं खुद से भी और मेरी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की कुछ हेल्प हुई? जी जी मेरी हेल्प हुई है, शुक्र है। तो कि बस मुझे टाइफाइड बुखार हुआ और उसकी वजह से जो है मैं मतलब कि पैरालाइज हो चुका हूँ। अच्छा, आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? नहीं, हमारी शादी लव मैरिज है, ये मेरे मामू की बेटी है, तो ठीक है, बस 2 साल से हमारा रिलेशन था। उसके बाद बस ये हुआ कि मुझे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड के बाद बस ये है कि मेरे मसल्स जो हैं मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीक होने स्टार्ट हो गए और इस तरह हुआ है कि अभी मैं बिल्कुल भी जो है ना खुद से मतलब कि वॉशरूम भी। आपसे मैं बात करता हूँ, सिर्फ बहन से 2-3 बातें करूँगा। अच्छा बहना, मुझे ये बताएं कोई ज़िंदगी से आपको एलर्जी, कोई तकलीफ, कोई दुख कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी कर दी, या उन लोगों को ऐसा मैसेज दें कि जो लोग कहते हैं जी कि माजूर शख्स से शादी करना मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है, उन लोगों को क्या जवाब देना पसंद करेंगे आप? जी भाई, मुझे अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से कोई गिला नहीं है कि मैंने रईस को चूज़ किया है, मैं खुश होती हूँ, मैं इनके साथ खुश हूँ, हमारी ज़िंदगी जैसी भी गुजर रही है, दुख में गुजर रही है, सुख में हम खुश हैं। मैं बस, मेरा मीडिया के सामने आने का एक ही मकसद है कि रईस का इलाज हो जाए, रईस ठीक हो जाए, मैं मीडिया के सामने नहीं थी आना चाहती। अच्छा, आप जो इस घर में रह रही हैं ये अपने रेंट का है? ये भाई रेंट का है। तो आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? भाई हमें ये देखने वाले बहन भाई सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा कोई अपने की तरफ से हमें किसी की कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ तक के रईस के भाइयों ने तो कभी आज तक फ़ोन कर। कोई आपने कोर्स किया हुआ है? जी भाई, मैं पार्लर का, ब्यूटिशियन का जानती हूँ काम, और कपड़े सिलाई करती हूँ। अगर आपको सिलाई मशीन मिल जाए मेरे प्लेटफॉर्म से, या ब्यूटिशियन का कुछ सामान मिल जाए कॉस्मेटिक का, फिर काम चल सकता है आपका? जी भाई चल सकता है। तो आपकी शादी कैसे हुई भाई के साथ? भाई हमारी मंगनी हुई हुई थी, तो 2 साल तक हमारी मंगनी रही है, उसके बाद मतलब कि रईस को एक नॉर्मल बुखार होता है जिसकी वजह से रईस के मतलब कि वो कहते हैं बिगड़ चुका है, टाइफाइड बुखार बन चुका है, तो इनके पट्ठे कमज़ोर हो गए, इनके मसल्स वीक हो गए, इनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से ये चलने फिरने से मतलब कि नहीं चल फिर सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, मकान, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, टोटल महाना आपका कितना बजट बन जाता है? ये भाई टोटल डाल के 15-16 हज़ार रुपया बन जाता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। नाजरीन, मेरे देखने वालों और मेरे फैन से गुजारिश है कि ये जो मकान है आप इनकी साइडें देख सकते हैं, ये रेंट का मकान है, पूरी मैंने जांच के कारी ली है, बाहर से भी मैंने ली है इन्फॉर्मेशन कि वाकई ये हकदार लोग हैं, और ये भाई की आप टांग भी देख सकते हैं, ये डैमेज हो चुकी है और बुखार इनकी हड्डियों में घुस गया था भाई के, ये देखें रो रहे हैं, आँखों में आप नमी भी देख सकते हैं, जितना हो सका, क्योंकि आपको पता है मैंने एक अनमोल लड़की का नंबर लगाया था काला खताई रोड की, वो मैंने वीडियो कवर की थी, उसमें उस बहन को इतनी लोगों ने तंग किया, इतना तंग किया कि मैंने कानों पे हाथ लगाया, आज से तौबा कर दिया, किसी बहन बेटी का मैंने नंबर नहीं देना।
इसी पे मेरा जायज वो जैस कैश अकाउंट बना हुआ है। चलें ये पकड़ा है। मैं दे तो यार आप लोगों को कुछ नहीं सकता, जितना भी दे दूं लेकिन है तो कम, फिर भी होता है ना ये बाजी बच्ची को चीज़ लेके देना। यही 500-1000 रुपया अगर हमारे मीडिया वाले भाई इन लोगों की हेल्प करते जाएं, कोई आटे का थैला डलवा दे, कोई महाने का कोई राशन वगैरह डलवा दे। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हिम्मत है, आखरत इस बहन ने कमा ली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नबवी है, जिस खातून साहबा ने अपने शोहर को दुनिया में खुश रखा, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश में आसानी फरमा देते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।